हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में एक मैं जो मित्तल निपॉन स्टील कंपनी थी, ठीक है, ये हमारे कॉलेज में आई थी, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस इसने लिया था, मतलब किस टाइप के टेस्ट लिए थे और उसके बाद किस टाइप का इंटरव्यू ये लेते हैं, तो इसके बारे में हमें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, CGPA बेस्ड था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या था, CGPA का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, ठीक है, मतलब कि कोई भी जैसे 8 से अबव 8 से बिलो कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। पहला क्या हुआ, CGPA क्राइटेरिया इसमें नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या था, सीधा क्या था, टेस्ट लिया गया था, और वो टेस्ट दो थे, ठीक है, एक तो एप्टी वाला टेस्ट था और दूसरा क्या था, टेक्निकल था, ठीक है। बेसिकली एप्टी जो टेस्ट था ना, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट हर किसी पे क्लियर हैं, और जैसे कि जो वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर सीरीज वाले होते हैं या फिर वर्बल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे एप्टी में। और दूसरा जो टेक्निकल था ना, उसमें भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ज़्यादा कोई आपको कैलकुलेशन वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो जो अगर आपको जैसे थर्मोडायनेमिक्स ऊपर ऊपर से जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक तो एप्टी टेस्ट हुआ था और दूसरा क्या हुआ था, टेक्निकल, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया था। बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है और वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उसमें क्या होता है, विद इन द टाइम जल्दी जल्दी आपको टिक करने होते हैं, वो मतलब वो आपसे ही रिलेटेड होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें कि आपको अपने ऊपर कितना, आप अपने आपको कितना जानते हो, ठीक है, आप एक चीज़ पे मतलब कि फोकस कितना करते हो, आप चेंज नहीं करते हो हर चीज़ को अब, ठीक है। तो साइकोमेट्री टेस्ट इसमें हुआ था, तो पहला एप्टी हो गया, फिर टेक्निकल हो गया और फिर साइकोमेट्री हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, इन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं लिया था, सीधा पर्सनल इंटरव्यू लिया था, ठीक है। तो अब अभी तक हमने क्या देखा, एक तो CGPA बेस्ड कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा था, दूसरा टेस्ट हुआ था एप्टीट्यूड था, उसमें टेक्निकल था और साइकोमेट्री था, ठीक। फिर पर्सनल इंटरव्यू पे आते हैं, दो इंटरव्यू लिए गए थे, एक HR था और एक टेक्निकल था, ठीक है। बेसिकली जो HR वाला था उसमें जो एक तो आपके बारे में पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। इस फिर लास्ट में ऐसा भी होता है कि कभी HR जो होता है वो जैसे लोकेशन बैरियर के से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कोई लोकेशन जहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ कोई आपको कोई दिक्कत या फिर कोई डिफिकल्टी है या नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि आप मतलब आपने SVNIT, ठीक है, यही कॉलेज क्यों चूज़ करा, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी था कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों ली, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन HR पूछ सकता है और इसमें पूछे गए थे। तो आप कोशिश करना इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो, बेसिकली क्या करना, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है, जब इस टाइप के आप क्वेश्चन दो ना तो आपको हम्बल रहना है, गुड एक्सप्लेनेशन करना है और शॉर्ट वे में करना है, ठीक है, ज़्यादा आपको फेंकना नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलना और अच्छे बिहेवियर के साथ बोलना, ठीक है, HR का जो भी इंटरव्यू होता है इस टाइप के क्वेश्चनों की आपकी प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। आप फिर दूसरा क्या था, इंटरव्यू में टेक्निकल था, उसमें आपको पता ही है जो भी आपने मैकेनिकल से तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या था, देखो एक कंपनी थी स्टील की, ठीक है, मित्तल निपॉन स्टील की थी, तो ज़्यादातर स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जिकल, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें पूछा गया था कि हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, तो जो भी हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन एनिलीन, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर और क्या क्वेश्चन थे उसमें, जैसे टेम्परिंग जो है उसको डिस्क्राइब भी करना था और विद ग्राफ के साथ करना था, ठीक है, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ जैसे प्रॉपर्टीज़ है हार्डनेस की, तो उसको वो क्या होती है वो आप बताइए। फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि अगर आपको एक मटेरियल दिया गया कार्बन 45, ठीक है, C45, और उसकी हार्डनेस आपको दे दी BHN 250, तब तो आपको कैसे इसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, 350 तक लेकर के जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी टेक्निकल में पूछे गए थे, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो स्टील कंपनी है, जो भी कंपनी है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है वो क्या क्या बनाती है, और स्टील बनाती है तो स्टील की प्रॉपर्टीज, उसके मेटल मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, आपसे जैसे इंटरेस्ट बेस भी पूछते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो बताइए, जैसे किसी ने बोला मशीन डिज़ाइन, ठीक है, या फिर आपने इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो उसमें से वो कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मशीन डिज़ाइन जैसे किसी ने बोला था, तो उसमें पूछे गए थे टाइप्स ऑफ गियर कौन कौन से होते हैं। फिर क्या हुआ था, जो गियर है उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है,
ठीक है, बेस सर्कल, पिच सर्कल, ये सब क्या होते हैं, एडेंडम, डिडेंडम, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, जो एमडी में पूछा गया था। फिर क्या था कि विड्थ जो होती है टिथ की, वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, हाउ टू मेजर अ विड्थ, तो ये सब चीज़ें क्या थी, टेक्निकल में पूछी गई थी। ठीक है, तो इंटरव्यू दो थे, एक एचआर था जो मैंने बेसिक बता दी, तीन चार क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि आपने एसयूएनआईटी क्यों चूज़ करी, आप जिस भी कॉलेज में हो, आपको मैकेनिकली आप क्यों ली थी आपने, आपको कोई लोकेशन का बैरियर है या नहीं है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, अपने बारे में ये सब चीज़ें आप पूछती हैं। ठीक है, टेक्निकल में जो भी कंपनीज है, जैसे ये निपॉन स्टील है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है, वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा सब कुछ पढ़ना है, और आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ के जाना है, उससे रिलेटेड वो पूछेंगे पूछेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था उसका। सबसे पहले सीजी पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, फिर टेस्ट हुए थे जिसमें एप्टी था, टेक्निकल था और साइकोमेट्रिक था, फिर तीसरा क्या था, सीधा इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू वेरी मच।